भागवत पुराण द्वितीय स्कंद 10वां अध्याय। भागवत के 10 लक्षण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण इस मनवंतर परीक्षित भागवत पुराण में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति इस मनवंतर ईशान कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाशादि पंचभूत शब्दादि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महत्तत्व की उत्पत्ति होती है उसको सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाशादि पंचभूत शब्दादि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महत्तत्व होती है उसको सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है उसका नाम है विसर्ग। प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसका नाम स्थान है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है उसका नाम है पोषण। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसे मनवंतर कहते हैं। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती है उति नाम कही जाती है। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनकी प्रेमी भक्त तो की विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं ईश कथा है। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। अज्ञान कल्पित कृतत्व भोक्तृत्व आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है,
वही इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता सूर्य आदि के रूप में भी हैं, और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है वही उन दोनों को अलग अलग करता है। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे दोष की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः जो इन तीनों को जानता है वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं। जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नाड़ पड़ा। और उस अपने उत्पन्न किए हुए नाड़ में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा। इसी से उसका नाम नारायण हुआ। उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य कर्म काल स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उनके उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जगत जग कर अनेक होने की इच्छा की। तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने सुवर्णमय वीर को 3 भागों में विभक्त कर दिया, अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत। परीक्षित विराट पुरुष का एक ही वीर 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ सो सुनो। विराट पुरुष के हिलने डोलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनसे इन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीर में प्राण के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती है, और जब वह सुस्त पड़ जाता है तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती हैं। जब प्राण जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। मुख से तालु और तालु से रसेंद्रिय प्रकट हुए। इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए जिन्हें रसना ग्रहण करती है। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तब वाक इंद्रिय उनके उसके अधिष्ठात्री देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे। श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गई। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घ्राणेन्द्रिय आकर बैठ गई और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था, फिर जब उन्हें अपने को तथा दूसरों की वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों के छिद्र उनका अधिष्ठाता सूर्य और नेत्रेंद्रिय प्रकट हो गए। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा।
जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। उसी समय कान उनकी अधिष्ठात्री देवता दिशाएं और श्रोत्रेंद्रिय प्रकट हुई। इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता कठिनता और हल्कापन भारीपन उष्णता और शीतलता आदि जाननी चाही तब उनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ। पृथ्वी में से जैसे वृक्ष निकल आते हैं उसी प्रकार उस चर्म में रोएं पैदा हुए और उसके भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रिय भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तब उनके हाथ उग आए। उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति हस्तेंद्रिय तथा उनके अधिदेवता इंद्र प्रकट हुए और दोनों के आश्रय से होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। जब उन्हें अभीष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके शरीर में पैर उग आए। चरणों के साथ ही चरण इंद्रिय के अधिष्ठाता रूप में वहां स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए और उन्हीं में चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरण इंद्रिय से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्र करते हैं। संतान रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उसमें उपस्थेन्द्रिय और प्रजापति देवता तथा इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख का आविर्भाव हुआ। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई तब गुदा द्वार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसमें पायु इंद्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ। उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का विच्छोह यानी मृत्यु होती है। जब विराट पुरुष को अन्य जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोख आते और नाड़ियां उत्पन्न हुई। साथ ही कुक्षी के देवता समुद्र नाड़ियों के देवता नदियां एवं तुष्टि और पुष्टि ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा तब हृदय की उत्पत्ति हुई। उससे मन रूप इंद्रिय और मन से उसका देवता चंद्रमा तथा विषय कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी जल और तेज से सात धातुएं प्रकट हुई। त्वचा चर्म मांस रुधिर मेद मज्जा और अस्थि इसी प्रकार आकाश जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोतादि शब्द इंद्रियां शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। वे विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया। यह बाहर की ओर से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार महत्तत्व और प्रकृति इन आठ आवरणों से घिरा हुआ है।
इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है, वह अव्यक्त निर्विशेष आदि मध्य और अंत से रहित एवं नित्य है, वाणी और मन की वहाँ तक पहुँच नहीं है। मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन दो रूपों का वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं। इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं, अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं, फिर तो वे ब्रह्मा का या विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और अनेकों नाम रूप तथा क्रियाएं स्वीकार करते हैं। परीक्षित, प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, कर्म, किम पुरुष, उरग, मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, बेताल, यातु, धान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप हैं, सब भगवान के ही हैं। संसार में चर और अचर भेद से दो प्रकार के तथा जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज भेद से चार प्रकार के जितने भी जलचर, जलचर, थलचर तथा आकाशचारी प्राणी हैं, सब के सब शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल हैं। सत्व की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती हैं। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे दो गुणों से अभिभूत हो जाता है, तब प्रत्येक गति के तीन तीन भेद और हो जाते हैं। वे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्म में विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। प्रलय का समय आने पर वे ही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को कालाग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघमाला को। परीक्षित, महात्माओं ने अचिंत ऐश्वर्य भगवान का इस प्रकार वर्णन किया है, परंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि, पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे परे भी हैं। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है, वह तो माया से आरोपित होने के कारण कर्तृत्व का निषेध करने के लिए ही है। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवांतर कल्पों के साथ वर्णन किया है। सब कल्पों में सृष्टि क्रम एक सा ही है, अंतर है कि तो केवल इतना ही कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महत्तत्व आदि की उत्पत्ति होती है और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि तो ज्यों के त्यों रहती ही है। चराचर प्राणियों की व्याकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। परीक्षित, काल का परिमाण, कल्प और उनके अंतर्गत मन्वंतरों का वर्णन आगे चलकर करेंगे। अब तुम पाद्य कल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो। सोनक जी ने पूछा, सूत जी, आपने हम लोगों से कहा था कि
भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुस्तज्य कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई तथा मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया? सूत जी, आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है, आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौट आए? सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। इस प्रकार भागवत पुराण का द्वितीय स्कंद समाप्त होता है। इति द्वितीय स्कंद समाप्त। हरिओम तत्सत। तो द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं और ये 10वां अध्याय भागवत के 10 लक्षण समाप्त होता है। इति द्वितीय स्कंद समाप्त। हरिओम तत्सत।